नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह चैनीगढ़ समाचार से। ये तस्वीर हम आपको चैनीपुर से आप शंभू रोड से दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस समय श्याम लाल जी की जो रैली उनके रेजिडेंस उनके घर से निकली थी, आज वो नामांकन पत्र दाखिल कराने एसडीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर आप शंभू में पहुंची है सर, क्या कहना चाहेंगे? बस आप खुद देख रहे हैं, ये जन सैलाब, युवाओं का प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद, आप सब देख रहे हैं। क्या कहेंगे, लंबे समय के बाद राजनीति हलचल तेज हुई है जम्मू कश्मीर के बाद, और श्याम लाल जी ने अपना स्थान भी इस बार बदला, जम्मू नार से वो लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लोगों का प्यार है जो हमें यहाँ पे खींच लाया, और 10 साल के बाद जो सियासी निजाम है वो जम्मू कश्मीर में रिस्टोर होना बहुत जरूरी है आम समस्याओं के लिए भी। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में बीजेपी की जो है वो गवर्नमेंट बनेगी और लोगों के जो भी मिसाइल पेंडिंग है वो जल्द से जल्द हल होंगे। रामलाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, लोग उन्हें वोट क्यों करें? वो आपके सामने है, हम तो घर के हैं, हम तो वैसे भी बोलेंगे बढ़िया आपके सामने है। सब परिवार आया है यहाँ पे, सब ने अपना जोश दिखाया है और अपना साथ दिखाया है, और ये वो प्रेम जो हमें पिछले 30-40 सालों से राजनीतिक करियर में मिल रहा है वो आज तक बरकरार है। एक जन सलाम जो है वो उम्र पर आया है, और श्याम लाल जी की अच्छा बिल्कुल क्या क्या कहेंगे? देखिए, जय श्यामलाल शर्मा के जी के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं, लाखों के हिसाब से मतलब पब्लिक साथ में आई हुई है, कितना जुनून है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक सिर्फ आज बीजेपी के ही झंडे देखने को मिल रहे हैं। क्या देखे मोदी जी का, इन्होंने मोदी सरकार बड़े पहुंचे चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, श्री श्यामलाल शर्मा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर जन सलाब उमड़ कर आया है और ये लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे थे, यहाँ पर आप देखें कि देखें ये रैली जो है वो अब जानपुर पुलिस स्टेशन एसडीएम कार्यालय की तरफ बढ़ रही है, और सभी लोग जो है कितने प्रसन्न और जोश में दिख रहे हैं। लगभग 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो जोश में सभी के सभी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहे दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दे इजाजत। नमस्कार।